students, welcome to our school, श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल. आई होप आप सब घर में सेफ हो गए और हेल्दी हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू माई इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ इतरोड़ा प्रियंका. आई विल टीच यू योर सब्जेक्ट कंप्यूटर. आप सबको कंप्यूटर अच्छा लगता है ना? तो आज हम सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में स्टैंडर्ड 7 आप सभी का स्वागत है. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें इंटरनेट एंड ईमेल. उससे पहले हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं, राइट? तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर किससे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट? कंप्यूटर मेन मशीन है. वो एक इंसान ने बनाया है. वो अपने आप नहीं चल सकता, हमें उसे चलाना पड़ता है. और भी आपने बहुत कुछ आगे उसने इनपुट किया है, आउटपुट किया है, प्रोसेसिंग किया है, वो सब आपने देखा है, राइट? तो आज हम फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट एंड ईमेल वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और बीच बीच में मैं आपको हार्ड वर्क भी टिक कराऊंगी. तो आप सभी को बीच बीच में हार्ड वर्क भी टिक करने हैं और सभी अपनी टेक्स्टबुक ओपन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? व्हाट इज द इंटरनेट? द वर्ड इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क. तो इंटरनेट वर्ड कैसे बनता है? तो टू शब्दों से बनता है, राइट? इंटरकनेक्शन यानी कि इंटर और नेट यानी कि नेटवर्क. इंटरकनेक्शन यानी कि हम किसी पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं तो अंदर अंदर हम बात कर सकते हैं. और नेटवर्क यानी कि हम इंटरनेट में सभी के साथ नेटवर्क से जुड़े रह सकते हैं, राइट? द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ थाउजेंड कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड. ये जो हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? नेटवर्क की हेल्प से करते हैं. नेटवर्क की वजह से हम सभी से कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्यूटर में इंटरनेट की हेल्प से बात कर सकते हैं, राइट? इन शॉर्ट द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. नेटवर्क की हेल्प से कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ा रहता है. द इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी. इंटरनेट की कोई पर्सनल बॉडी नहीं है, राइट? और नेटवर्क की हेल्प से प्रोसेस होता है. बट देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क. तो नेटवर्क के भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट है. तो कैसे ऑर्गेनाइज होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो सबसे पहले क्या आता है? यूजेस ऑफ द इंटरनेट. हम सबको पता है कि इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है. नॉर्मली हम सब अभी इंटरनेट का यूज बहुत ही करते हैं. हम सब व्हाट्सएप है, फेसबुक है और कई ऐसे सोशल मीडिया पे हम इंटरनेट का यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल. ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल. आपको हार्ड वर्ड टिक करना है. तो ईमेल क्या है? कि हमें कोई भी फाइल हो, अगर बिग फाइल हो, कोई भी पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, ऑडियोस हो, वो हमें कहीं भी भेजना हो तो हम इसी फ्यू सेकंड में उसको मेल करके सेंड कर सकते हैं. और उसमें ईमेल में क्लियरिटी भी बहुत अच्छी होती है, राइट? ईमेल इज यूज्ड सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से हम ईमेल कर सकते हैं. अगर इंटरनेट नहीं है तो हम मेल नहीं कर सकते. यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, साउंड एंड एक्सेट्रा. मैंने बोला ऐसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वीडियोस एक्सेट्रा. विथ अदर इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट फ्यू सेकंड. हम फ्यू सेकंड में ही हम अगर कोई भी वर्ड या जगह पर मैसेज करना हो तो इजिली ईमेल की वजह से हम सेंड कर सकते हैं. यू ओनली नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट. तो हम ऐसे ईमेल में से डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं कर सकते. सबसे पहले हमें ईमेल में जाकर उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है. आप सबको पता ही होगा अगर हम कोई भी सोशल मीडिया में से, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? हमारे एक अकाउंट बनाएंगे. उससे पहले हमें एक गूगल में अकाउंट बनाना पड़ता है. उसकी हेल्प से भी हम इजीली अकाउंट बना सकते हैं. विच इज प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्वर्स. उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ हो जाता है. अकाउंट बनाना है वो
स्कूल जा सके। टीवी में देखते हैं, उसके पहले हमें सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट में कई ऐसे न्यूज के ग्रुप है जहाँ पे हमें सबसे पहले न्यूज मिल जाते हैं। तो अब उसमें देखते हैं, न्यूज ग्रुप्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज व्यूज, आइडियाज, न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन। एन इंटरनेट यूजर कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। Then आता है थर्ड, ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। तो ऑनलाइन चैटिंग क्या है वो हम सबको पता है कि हम हमारे फ्रेंड के साथ ऑनलाइन बातें करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। और कॉन्फ्रेंस यानी कि हम सभी एक साथ वीडियो कॉल में बात करें, उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लिव विथ वन अनदर। हम लाइव होते हैं और साथ में वीडियो कॉल में बात करते हैं यानी कि कॉन्फ्रेंस। देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैव ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट में स्पेशल उनका सॉफ्टवेयर आता है जिसकी हेल्प से हम इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। और फोर अदर यूजेस, उसके अदर यूज क्या होता है इंटरनेट का, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट। हम सब उसमें से बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमेजोन ऐप है वो हम सब यूज करते हैं, उसमें से हमें कुछ अच्छा लगे तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करके उसमें से मंगवा सकते हैं। और ऐसी कोई भी ऐसी और भी कैसी एप्लीकेशन है जिसमें हम इजीली बाइंग और सेल कर सकते हैं, एमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, एक्सेट्रा, सो मेनी एप्लीकेशन। देन आता है मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स। तो नॉर्मली हम बैंक में जाते हैं तो सभी लोग यहाँ पे बैंक में कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लेकिन वो अपने आप काम नहीं करता कंप्यूटर, उसमें हमें इंटरनेट बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेट ना हो तो वो बैंक में काम नहीं कर सकते, यानी कि वो कनेक्ट नहीं हो सकते। देन आता है स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ वन्स चॉइस एंड ऑब्टेनिंग अ डिग्री। हम स्टडी के लिए भी कंप्यूटर का यूज और इंटरनेट का यूज करते हैं। आप सभी को पता है कि अभी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन है तो हम सभी घर में रह के कैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से मोबाइल में स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो हमें इतना इजीली घर पे ही हमें अपनी सर्विस मिल जाती है। देना था रीडिंग न्यूज पेपर, मैगजीन एंड एक्सेट्रा। तो न्यूज पेपर रीड कर सकते हैं, मैगजीन रीड कर सकते हैं, और बुक्स भी आती है। अगर हमें बुक्स रीड करनी हो कोई भी तो हम बुक्स भी रीड कर सकते हैं। वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, वो तो हम सबको पता है। ऑर्डरिंग बुक्स, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, और ग्रीटिंग कार्ड यानी कि अगर हमें कोई भी इन्विटेशन देना हो तो हम कोई भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है तो हमें सबको पता होगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी इन्विटेशन किसी को सेंड कर सकते हैं। ध्यान आता है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, यानी कि इंटरनेट का कैसे कैसे यूज करते हैं, उसका नेटवर्क किस तरह कनेक्ट होता है। तो फर्स्ट है उसमें नेटवर्क। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। तो नेटवर्क की हेल्प से हम कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं और शेयरिंग रिसोर्सेज यानी कि हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। टू काइंड ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क का टू टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसका फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें देखते हैं इट कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ वर्ल्ड बिल्डिंग, कंप्यूटर इन लैन आर यूजुअली कनेक्टेड विथ लेबल्स, राइट? तो लैन की हेल्प से हम कंप्यूटर को नेटवर्क कैसे कर सकते हैं, तो अगर एक ही जगह पर हमें नेटवर्क का यूज करना है तो हम लैन नेटवर्क का यूज करेंगे। यानी कि मुझे स्कूल में कनेक्ट करना है तो लैन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे घर में हमें यूज करना है तो हम लैन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह हमें एक ही जगह पर यूज करना है। आता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, तो उसका कैसे यूज करते हैं, इट कनेक्ट कंप्यूटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि अगर जगह मोटी है और आजू बाजू में हमें किसी भी जगह पे आस
आसपास करना है कनेक्ट, तो हम क्या करेंगे, वेन मेथड का यूज करेंगे। कंप्यूटर इन वेन आर यूजुअली कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस एंड ब्रॉडबैंड। द नेटवर्क इंटरनेट इज अ वेन, यानी कि अगर हमें स्कूल में एक ही जगह पर कंप्यूटर का यूज नहीं करना है, अगर मुझे लैब में यूज करना है, ऊपर क्लास में यूज करना है, तो हम कौन से नेटवर्क का यूज करेंगे, वेन नेटवर्क का करेंगे। अगर हमें एक ही जगह पर करना है तो हम लैब का करेंगे। आप सबको फुल फॉर्म याद रहेगा ना, अगर नहीं याद रहे हो तो आप लर्न कर लेना। तो क्या है, टेरा नेटवर्क, लैब यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और सेकंड है वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड आता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। हमें सबको पता है ना, अगर हम कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी लिंक ओपन करते हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, तो WWW। बाद में अगर जो लिंक का नाम है वो हम टाइप करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मैंने बताया वो वेबसाइट के आगे का लोगो है, यानी कि सबसे पहले हमें वेबसाइट है वो तो लिखना ही पड़ता है, अगर हम नहीं लिखते तो वेबसाइट ओपन नहीं होती। फिर आता है सर्च इंजिन, अगर हम गूगल ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सर्च का बटन आएगा, हमें जो भी सर्च करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्च इंजिन। इट इज अ साइट ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ विच अ यूजर कैन सर्च फॉर अदर वेबसाइट्स। वेबसाइट की हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अ यूजर कैन सर्च द वेब ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड ही गिव्स। राइट, हम लिंक या कीवर्ड्स की हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन, तो सर्च इंजिन के लिए और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन हम मोस्टली कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो गूगल का यूज करते हैं। तो गूगल में भी बहुत ज्यादा है, लाइक गूगल है, क्रोम है, ऐसी और भी कई ज्यादा एप्लीकेशन है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। देन आता है गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप आर केपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। राइट, तो हमें सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज किसमें करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, अगर हमारे घर पे लैपटॉप है तो हम लैपटॉप में करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिले तब हम सब जूम एप्लीकेशन में मिलेंगे। राइट, तो आप सभी को अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है और सभी का ये चैप्टर है वो लर्न करके भी रखना है। थैंक यू ऑल।